गृह और कानून सचिव खबरों को लेकर कार्रवाई कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक अगर कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है तो उसकी शिकायत गृह सचिव से की जाएगी, जिसके बाद प्रधान सचिव गृह विभाग तय करेंगे कि खबर को लेकर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया जाए या फिर नहीं। मीडिया पर केजरीवाल का वार, दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर, छवि खराब करने वाली रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई, कोई भी अफसर मुख्य सचिव से कर सकता है शिकायत। तो इसी पर हम बात करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम बता दें कि हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल मीडिया के सहारे राजनीति में सीढ़ियां चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद ही मीडिया पर अंकुश लगा रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अगर दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। पेशक रिपोर्ट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मीडिया पर लगाम लगाने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। केजरीवाल ने एक सर्कुलर जारी करके दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को कहा है कि अब दिल्ली सरकार मीडिया की उन खबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी जिसमें मीडिया सरकार की छवि को खराब करेगा। दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों की छवि खराब करने पर केजरीवाल ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी को लगता है कि मीडिया में कोई ऐसी खबर दिखाई गई है जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है तो वे मुख्य सचिव को इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें तथ्यों की जांच के बाद मीडिया को नोटिस भेजा जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मीडिया संगठनों के कंटेंट पर निगरानी रखने का भी फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे मीडिया द्वारा पेश की जा रही खबरों की निगरानी करें। वहीं दिल्ली सरकार के इस फरमान की विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल जिस हिसाब से चल रहे हैं उस तरह से ये सरकार अपना एक साल भी पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐसा सर्कुलर में क्या कुछ है। छवि खराब करने वाली खबर पर केस करेगी दिल्ली सरकार और खबर की शिकायत आपको बता दें कि किस तरीके से सचिव से होगी। किस तरीके का जो सर्कुलर है इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल छवि खराब करने वाली खबर पर केस अब दिल्ली सरकार करेगी, साथ ही साथ खबर की शिकायत मुख्य सचिव से होगी और उसके बाद जांच होगी। शिकायत करने वाला अफसर खबर का पूरा ब्यौरा देगा। इसके साथ ही मुख्य सचिव तथ्यों की छानबीन करेंगे और मुख्य सचिव गृह शिकायत पर निदेशक से राय लेंगे। कुल मिलाकर पूरी जांच की जाएगी शिकायत की और कानून मंत्रालय से भी उसके बाद राय ली जाएगी। राय लेंगे कि धारा 499 और 500 के तहत केस हो सकता है या फिर नहीं। निदेशक की राय कानून विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद कानून विभाग ने इन धाराओं के तहत केस दर्ज करने की स्वीकृति ली जाएगी। तो बिल्कुल चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सर्कुलर दिखाते हैं कि आखिर क्या सर्कुलर है। जी हाँ, ये वही सर्कुलर है जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार के अधिकारियों को लगता है कि किसी चैनल में उनके खिलाफ इस तरीके से कोई भी खबर दिखाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई होगी। वही सर्कुलर है जो आप देख सकते हैं और इस सर्कुलर में तमाम एक तरीके से वो बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं लिखित तौर पर कि आखिर कोई भी अधिकारियों को जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए अधिकारी होने लगता है
कि अगर उनके खिलाफ या सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है तो फिर उन पर निश्चित तौर पर पूरी जांच के बाद कार्रवाई होगी। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। संजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिर दिक्कत कहां है? कभी प्रेस्टिट्यूट कह दिया जाता है, कभी बाजारू कह दिया जाता है मीडिया को, और अब जो नई बात निकल कर आई है कि मीडिया ने तो जी सुपारी ली है, आखिर दिक्कत क्या है? क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने दाग छुपाने के लिए जो मीडिया पर ठीकरा फोड़ती हैं? देखिए, परेशानी सबसे बड़ी सत्ता के नशे की है जी। जब सत्ता हासिल होती है तो एक नशा खुद ब खुद आ जाता है जी, और उस नशे के आगे कौन पार्टी किस नैतिकता की बात करती है ये सब बीमारी पड़ जाती है। हमको लगता था कि अरविंद केजरीवाल कुछ अलग करेंगे, वो कहते थे कि उनकी पार्टी कुछ अलग है, सबसे भिन्न है, वो कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं पर पार्टी पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मीडिया को उसी तरह कोस रहे हैं जब जैसे बाकी पार्टी सत्ता में हासिल होने के बाद मीडिया पर अपने सारे आरोप लगाती है जी। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अरविंद केजरीवाल को अचानक वो मीडिया इतनी बुरी क्यों लगने लगी जिस मीडिया ने उनको रातों रात सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, जिस मीडिया के सारे वे पूरे देश में क्रांति की बात करना चाहते थे, वो मीडिया अब अगर उनके बारे में कुछ बात कर रही है तो वो इतनी बुरी क्यों हो सकती है? ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ शिकायत क्योंकि कुछ चैनल एक स्पॉन्सर्ड तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है सोशल मीडिया का वो सहारा लेते रहे हैं, सोशल मीडिया पे उन चैनलों के बारे में लिखें, उन पत्रकारों के बारे में लिखें, लेकिन आप समूची मीडिया पे अगर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अंतर मन दिखा रहा है कि आप घबराए हुए हैं, आप ये पा रहे हैं कि आपकी चीजें संभल नहीं रही हैं और अपना ठीकरा मीडिया पर फोड़ना चाहते हैं जी। संजय जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिन वादों को करके केजरीवाल सत्ता हासिल किए, जिन वादों को लेकर के उन्होंने जनता पहले वो जनता के बीच में गया, जिन बड़े बड़े वादों के बूते पे वो सरकार में अभी आए हैं और उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि मीडिया कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि मीडिया उन वादों को दिखा रही है जनता के बीच में कि केजरीवाल ने ये वादा किया था, ये वादा नहीं। मान लीजिए वाईफाई का वादा करके वो आए थे दिल्ली सरकार में, अब वाईफाई नहीं मिल रही जनता को, तो मीडिया अगर दिखाता है तो वो उनकी छवि खराब कर रहा है, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं। तो क्या ये काम नहीं कर पा रही है केजरीवाल सरकार, इसलिए ये बौखलाहट में उठाया गया कदम है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये सिर्फ केजरीवाल का ही मसला नहीं है, ये सारी सरकारों का मसला है। आप देखिए ना, वीके सिंह भी एक पाकिस्तान के उच्चायोग पर जाते हैं, एक विवादित बयान देते हैं, बयान मीडिया में आता है तो पूरी मीडिया को वेश्या कर देते हैं, ये सत्ता का नशा है। अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी इतने महीने बीत गए, घर आतंक पर अगर नहीं आएगी तो मीडिया का काम है, मीडिया उन पर सवाल खड़े करेगी ही करेगी। अब मीडिया सवाल खड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल अगर बौखलाकर अपने सरकारी अफसरों से कहेंगे कि वो मीडिया की निगरानी करे तो इससे खराब क्या बात हो सकती है? वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि देश की ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो रही है, एक देश के नौकरशाह बेलगाम हो रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि नौकरशाह मीडिया की निगरानी करे, वो नौकरशाह जिनके बदौलत ये देश हालत में पहुंचा है वो नौकरशाह मीडिया को बताएंगे कि उन्हें बिल्कुल लाल फीताशाही के खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाई थी और अब फिर से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने ये जब सत्ता में आए थे तो लाल फीताशाही के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने कही थी अफसरशाही खत्म करेंगे, अब वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन ले दे करके फिर से वो उसी चीज पे वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप देश का दुर्भाग्य देखिए कि आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कमान दे रहे हैं मीडिया के मैनेजमेंट की, जिस ब्यूरोक्रेसी को आप लगातार कोसते थे कि इस लाल फीताशाही ने लोकतंत्र की सारी परंपराएं खत्म कर दी हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है, आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती, आम आदमी की आवाज का दर्द महसूस नहीं करते ब्यूरोक्रेट, आप उन ब्यूरोक्रेट से कह रहे हैं कि वो मीडिया की निगरानी करे, आप चाहते हैं कि मीडिया अगर कुछ सच दिखा रहा है तो वो ब्यूरोक्रेट सच को दबा दे जी, ये दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य उस पार्टी के लिए भी है जो लोकतंत्र की बात करती थी। और संजय जी, हालांकि इस तरीके के सर्कुलर से कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव पॉइंट, हालांकि दिल्ली सरकार को तो इसके पॉजिटिव पॉइंट से दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, कल को कोई और पार्टी या कोई और अगर देखा जाए कोई आकर इसी तरीके का सर्कुलर जारी कर सकता है, अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए, इस तरीके के फरमान कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी लाते हैं। सरकारें किसी भी सूबे में हो कभी नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे, उनको वो व्यक्ति पसंद नहीं आता जो उनकी शान के खिलाफ कोई बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल हर राज्य की सरकार आदेश जारी करेगी कि
हमारे अफसर मीडिया घरानों के खिलाफ कार्रवाई करें, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनके नोटिस से, ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? आप कौन सा देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? आप दमन के सारे देश को चलाना चाहते हैं? आप दिल्ली को डेमोक्रेसी फ्रंट पर लाना चाहते हैं या दिल्ली को तानाशाही वाले रवैये में अपनाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल कैसे हत्या के रूप में अपनी संजय जी, मुझे लगता है, मुझे लगता है ये जो सर्कुलर केजरीवाल की सरकार जो ये सर्कुलर लाई है, इस सर्कुलर में कोई दम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें डिफाइन नहीं की गई है। एक तरह से जो कहा गया है कि सरकार की छवि खराब करने वाली खबर को जो है वो रोकेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कौन सी खबर सरकार की छवि खराब करने वाली है इसका निर्णय सरकार में बैठे जो अधिकारी है वही करेंगे। तो क्या जो मीडिया में जो खबर आती है तो निश्चित तौर पे आलोचनात्मक खबर ही होती है। अगर आपने राशन कार्ड की ही अगर आप बात करें, अगर 100 लोगों को राशन कार्ड देना था, आपने 50 को ही दिया, तो हम तो 50 बोलते हैं, जहां ठीक है 50 को मिला, लेकिन हम हाईलाइट जो है उन खबरों का करते हैं जो 50 को जिनको नहीं मिला। तो क्या इसको भी छवि खराब करने वाली खबर मानी जाएगी? कोई एक क्राइटेरिया उन्होंने इस सर्कुलर में फिक्स नहीं किया है कि किस आधार पर खबर को छवि खराब करने वाली कही जाएगी और किस आधार पर उसे ये कहा जाए कि नहीं ये संतुलित खबर है। तो इस पे तो चैलेंज अगर किया जाए इस सर्कुलर को, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ठहरने वाला नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मुकेश जी, लेकिन एक दूसरी बात भी है। उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया है कि किन चीजों पे सरकार की छवि कटर पड़ेगी। आप कल को खबर दिखाई है कि एक विभाग का सचिव 11 बजे दफ्तर पहुंचा अपने टाइम से 1 घंटा लेट, तो वो अफसर लगेगा कि ये तो सरकार की छवि पर असर है, वो आपको नोटिस दे देगा जी। आप दिखाई है कि ये अफसर कैसे करोड़ों के घूस लेकर करोड़पति बन गया है, तो सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, वो आपको नोटिस दे देगा जी। अरविंद केजरीवाल ये सर्कुलर लागू करके नौकरशाहों को अनुमति देना चाहते हैं जी, वे अपनी मन मर्जी से जैसे सिस्टम को चलाते आए हैं वैसे ही सिस्टम चलाएं, और अगर मीडिया का इस तरह गला घोटेंगे तो निश्चित रूप से ये मीडिया की आवाज नहीं रोक रहे हैं जी, बल्कि उसी आम आदमी की आवाज रोक रहे हैं जिस आम आदमी की वारात का वकालत करके वह सत्ता तक पहुंचे जी। संजय जी, इस सर्कुलर को अगर देखा जाए तो इनमें दो धाराओं का जिक्र किया गया है, एक तो है कि 499 और एक 500, जिनके तहत कार्रवाई की जाएगी सर्कुलर में दिया गया, लेकिन ये वही धाराएं हैं, शायद मैं गलत नहीं हुई, वही धाराएं हैं जब नितिन गडकरी द्वारा ऐसे ही केस दर्ज किया गया था और उस समय अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं धाराओं को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, वो तब उन्हें अलोकतांत्रिक लग रही थी और आज जब वो खुद सत्ता में है तो उन्हें सब कुछ लोकतांत्रिक लग रहा है। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में होता भी यही है, आप जब विपक्ष की भूमिका में होते हैं तो वो सब चीजें आपको सही लगने लगती हैं जो आप जनता के बीच में धरना प्रदर्शन पर उठा रहे होते हैं, और जब आप तस्वीर के इस तरफ आ जाते हैं, जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जब आप सूबे के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो वो सारी लोकतांत्रिक चीजें अचानक रात रात आपको अलोकतांत्रिक लगने लगती हैं, वो लोग खराब लगने लगते हैं जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो चेहरे पसंद नहीं आते जो आपकी शान के खिलाफ कहते हैं, वो लोग अच्छे नहीं लगते जो नौकरशाही पर सवाल उठाते हैं। निश्चित रूप से ये तानाशाही रवैया है जो कहीं ना कहीं आज मीडिया पे शुरू हुआ, कल आम आदमी पे भी शुरू होगा। बिल्कुल संजू जी, आपके पास आएंगे हम, इससे पहले आपको बता दें कि वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला देवकर, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। मीडिया हमेशा से आप पार्टी के निशाने पर रही है, लेकिन इस बार फरमान थोड़ा ज्यादा ही तुगलकी है। हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी, जिस तरह से लगातार मीडिया पर वार तो करती ही रही है आम आदमी पार्टी, इस बार तो जेल तक डालने की बात कह डाली है। नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, और आप अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए आप काम नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अंदर आप अघोषित आपातकाल की जैसी स्थिति लाना चाहते हैं, और इसमें एक तरह से मीडिया को धमकाना, मीडिया को डराना, मीडिया के मन में एक दहशत पैदा करना कि आप सच मत लिखिए। मीडिया का काम है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, मीडिया सभी दलों के बारे में लिखता है, किसी ने तो ऐसा नहीं कहा, और आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मीडिया के खिलाफ ये करेंगे। आपने पहले दिन मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, आपने मीडिया की 24 आवर्स की चैनल मॉनिटरिंग आप करवा रहे हैं, आप सब कुछ कराइए, आपको रोका किसने डिफॉर्मेशन शूट डालने से? लेकिन ये पत्र इशू करना और लोगों को इस तरीके से डराना, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। क्या लगता है?
लगता है आपको, आखिर ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी की सरकार छुपाना चाहती है और लगातार मीडिया को उससे दूर रख रही है? नहीं, जिस प्रकार के कृत्य उनके एमएलए कर रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो शराब के मामले हो, एसटीएससी का मामला हो, लड़ाई का मामला हो, उपहार लेने का मामला हो, मारपिटाई का मामला हो, जिस तरीके से उकसा करके हत्या का मामला हो, तमाम तरह के आरोप उनके उस पर लग रहे हैं। तो ये सब कुछ काला पीला करना चाहते होंगे, इसलिए मीडिया से डर किस चीज का? कौन डरता है मीडिया से? उल्टा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि मीडिया अगर हमारी कोई कमी बताता है तो अच्छा है, हम उसको ठीक करेंगे, यहां पर कमी बताएंगे तो आप जेल भिजवा देंगे। आप कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। तो साफ है मीडिया एक तरह से आईने का काम करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो आईना देखना ही नहीं चाहती, यही कारण है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। और बिल्कुल इस चर्चा में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रमेश विदुड़ी जी जो कि बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ देहरादून स्टूडियो से संजय भट्ट जो कि आप नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश विदुड़ी जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले जो सर्कुलर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है मीडिया के खिलाफ, उस पर आपका आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखो, ये सर्कुलर कुछ भी नहीं है, ये किसी एक प्रकार से मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का तरीका है, रास्ता है। वरना डिफॉर्मेशन की जहां तक बात है, पहले भी अगर कोई किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करता है, किसी के करेक्टर के ऊपर अटैक करता है, वो झूठा होता है, डिफॉर्मेशन डाल सकता है, वो पहले भी डलते रहे हैं। लेकिन ये मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि जो इन्होंने अनेकों प्रकार के झूठ बोले थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो पूरे हो नहीं सकते, किसी भी सूरत में कर नहीं सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं इनके जो 67 विधायक जीत कर आए हैं, 10 तो 3 महीने में ही क्रिमिनल केस के अंदर आ गए हैं, कोई चीटिंग फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहे हैं, सर्टिफिकेट के साथ में, एक टेस्ट रूल का सर्टिफिकेट का चार्जशीट फेम हो गया है, आर के पुरम की जो इनके एमएलए है, किसी के ऊपर शराब के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनके 9-10 लोग जो अभी वो क्राइम में फंस गए हैं जी। तो केजरीवाल जी, कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है, केजरीवाल जैसे ही लोगों के कारण से इस देश में 300 वर्ष पहले अंग्रेजों ने घुसपैठ की थी और अंग्रेजों ने राज किया पर 250 साल के करीब, और अब यही अराजकता फैलाकर देश के लोगों को गुमराह करके वो, और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और समय समय पर वो दर्पण दिखाता है। अब आपको केजरीवाल जी को भी दर्पण दिखाना चाहिए कि जो केजरीवाल ये कहता था मीडिया हमारी बातों को और करप्ट लोगों को 24 घंटे ये रिपोर्टर अपना दिन रात एक करके और जनता के सामने एक्सपोज करते हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं, ये केजरीवाल जी की भाषा थी इनके जब आंदोलन हुए थे जल लोकपाल को लेकर। अब इनका दिल्ली का जल लोकपाल गायब हो गया, वो आया नहीं, अब मीडिया ये पूछेगा भाई 3 महीने को तुम्हारा जल लोकपाल कहां गया? तो ये मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का केवल मादा है और ये कुछ नहीं कर सकते। जेल भेजने का अधिकार किसने दे दिया केजरीवाल जी को? विदुरी जी, ये बात सही कही आपने कि उनके पास बौखलाहट है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया पे। लेकिन दिल्ली विधानसभा में चूंकि संख्या आपकी कम है, 3 ही है, तो आप दिल्ली विधानसभा के भीतर तो आप दबाव नहीं डाल सकते हैं उनको बदलने के लिए, लेकिन क्या विधानसभा के बाहर बीजेपी कुछ करेगी इस सर्कुलर को वापस लेने के लिए, आंदोलन करेगी? देखो, सर्कुलर तो इनको वापस लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को इस काम को, इसको सर्कुलर को विड्रॉ करने के लिए, हम तालिबान में नहीं जी रहे, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है। तो केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं, कितने आए कितने चले गए, भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी कि लोकतंत्र के गले को दबाने का कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा भाजपा उसका विरोध करेगी। भारत माँ के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जिन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, फांसी पर लटके हैं, सीने पर गोली खाई है जिन लोगों ने, मंगल पांडे जैसे लोग 22 साल के नौजवान थे, उनके घर में माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, भाई नहीं थे, परिवार नहीं था, उन्होंने इस लोकतंत्र को देश में पैदा किया, देश को आजाद कराकर। बिल्कुल, तो केजरीवाल जी कौन होते हैं इस लोकतंत्र को समाप्त करने? बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ आप नेता संजय भट्ट जी भी जुड़े हुए देहरादून से। संजय जी, बेहद स्पष्ट सवाल है मेरा आपसे कि क्या अब आम आदमी पार्टी तय करेगी कि मीडिया क्या कुछ दिखाएगा, अखबार क्या कुछ खबर दिखाएंगे? पहले जब चुनाव से पहले जब विपक्ष में थे तब तो उस दौरान मीडिया को आप बड़े अच्छे लगते हैं और जब सरकार में आ गए तो फिर विलन बन गए। देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता तो जारी रहनी चाहिए, केजरीवाल जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर हमारा देश में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको अगर कुचलने की कोशिश की जाएगी तो उसमें
तो एक तरह से हत्या ही हो सकती है लोकतंत्र में मीडिया को कुचलना, जैसे कि पहले भी होता रहा है। कुछ मीडिया बिजनेस टाइप में करते हैं और गड़बड़ न्यूज दिखाते हैं वो, लेकिन उनकी गिनती कुछ है, सभी को एक तराजू में तोल देना। ये आपके नेता भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कुछ मीडिया है जो जान के सुपारी ली हुई है उनके खिलाफ, तो आप उस मीडिया का नाम क्यों नहीं बताते, आप डिफेमेशन क्यों नहीं आप जाते, आप कोर्ट जाइए। पहले भी मॉनिटरिंग जो है, केंद्र सरकार तो मॉनिटरिंग करा ही नहीं है सारे चैनलों को, तो आप मॉनिटरिंग की व्यवस्था पे आप विश्वास नहीं कर रहे। चाहे आप अगर अलग से मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं तो आप उस पर अलग से मॉनिटरिंग कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके का सर्कुलर लाते हैं और दूसरी तरफ फिर आप क्या कह रहे हैं कि कुछ मीडिया है, सेलेक्टिव मीडिया है कि जो हमारे खिलाफ सुपारी ले रखा है, तब उस मीडिया को आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? मैंने ऐसा कोई शब्द सुपारी जैसा शब्द नहीं कहा, आप मेरे शब्दों को मरोड़िए। वो आशुतोष को सुपारी देकर लेकर आए थे ना जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, आपके दूसरे नेता तो कह रहे हैं दिल्ली में सभी दूसरे नेता, देखिए दूसरे नेता से मेयर को कोई संबंध नहीं है। मैं स्पष्ट आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि अरविंद जी ने जो मीडिया के खिलाफ बोला है कि मीडिया के खिलाफ हम मानहानि का केस करेंगे, मैं उस बात का खंडन करता हूं। मैं उस बात के साथ अरविंद जी के साथ नहीं खड़ा हूं, क्योंकि अरविंद जी को जब 67 सीट आई है उसके बाद से अरविंद जी को शायद अहंकार आ गया है और आज अरविंद जी वो अरविंद जी नहीं रहे जो आंदोलन के टाइम पे अरविंद जी थे। तो क्या संजय जी, मैं आप कहूं जो आपका जो एक बागी गुट है आपके भीतर, जो कि इनके साथ जो दूसरे नेता जो निकाल दिए गए योगेंद्र यादव जी के साथ जो गुट बना है, आप उनकी तरफ के खड़े हैं, इसीलिए शायद इस तरीके के बयान दे रहे हैं आप? देखिए मैं किसी बागी, आप ये बागी कह सकते हैं, लेकिन मैं 28 तारीख को एनसी मीटिंग में था, कापाथेड़ा में जो हुई एनसी मीटिंग, उस एनसी मीटिंग में जो मार पिटाई हुई, जो बाउंसर के बुलाए गए, 8 बार चेकिंग ली गई हमारी, एक तरफ कहते हैं कि हमारा वो बनाइए स्टिंग बनाइए हमारे मंत्रियों का, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल रमेश भिदोरी जी कहिए। जी बिल्कुल जी रमेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ संजय जी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो पहले थे वो अब नहीं रहे हैं, केजरीवाल जी तो वही थे उस टाइम, संजय जी वगैरह समझ नहीं पाए थे, और इस संजय जी जैसे देश के हजारों लोग थे जो 10 साल के कांग्रेस के शासन भ्रष्टाचार को और जो पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उससे समाज को निकालने के लिए आए थे। संजय जी जैसे आम आदमी के साथ ऐसे हजारों कार्यकर्ता जुड़े थे बेचारे, तो केजरीवाल जी तो वही थे, ये समझ नहीं पाए थे उस टाइम केजरीवाल जी को, हम बार बार कह रहे थे। मैं संजय जी को बताना चाहता हूँ, देखिए रमेश भिदोड़ी जी मैं निसंग जी की भी बुराई करता हूँ, मैं गडकरी जी की भी बुराई करता हूँ, मैं जो आपके स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी की बुराई करता हूँ, जो गलत है मैं उन सब की बुराई करता हूँ, चाहे वो अगर केजरीवाल भी गलत करेंगे तो मैंने चुनाव के दौरान भी यही कहा था, वहाँ दिल्ली में प्रचार के दौरान, दिल्ली कैंट में प्रचार के दौरान मैं रहा हूँ 2013 में भी 2015 में भी, मैंने वहां भी यही कहा है कि अरविंद भी गलत होगा तो संजय पहला इंसान होगा जो आवाज उठाएगा। नहीं 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 आप उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के पेरोल पे काम कर रहे थे, गडकरी जी कहां गलत है, गडकरी जी को कोई कहां गलत साबित कर सकता है, गडकरी जी पहले नेता जिन्होंने डिफॉर्मेशन का केस डाला, गडकरी जी किसानों का, गडकरी को कैसे गलत कह सकते हुआ आप इस टाइम, गडकरी जी ने क्या नहीं किया, गडकरी जी ने ऐसी कंपनियां बना दिया जो अपने ड्राइवरों को उनका डायरेक्टर बना दिया, क्या वो सही था? बिल्कुल संजय जी आपसे एक सवाल है मेरा, दरअसल कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की गलत बातों बजा रहे हो आप जी। संजय जी से सवाल, संजय जी अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले मीडिया का पब्लिक ट्रायल की वहां पर बात की थी, अब मीडिया का ट्रायल पब्लिक ट्रायल कैसे हो सकता है, क्या समझा जाए इसका? नहीं ठीक है, मीडिया को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब मीडिया रहेगा, मीडिया नहीं रहेगा तो लोकतंत्र तो बिल्कुल मर जाएगा। अब दिल्ली में क्या हो रहा है हमें देहरादून में थोड़ी ना पता चलेगा अगर मीडिया नहीं होगा, तो मीडिया तो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अरविंद जी ने पहले भी कहा था कि सीबीआई को लोकपाल के अंदर करना चाहिए, लेकिन पार्टी की अपना लोकपाल को ही लात मार दी उन्होंने। ये संजय जी क्या अभी आप पार्टी में बने हुए हैं, केजरीवाल जी के पार्टी में आप बने हुए हैं? जी अभी भी मैं आम आदमी पार्टी में जिला संयोजक के पद पर बना हुआ हूँ। तो क्या आपने अपनी आधिकारिक जो आपकी आपत्ति है वो आपत्ति आपने कराई केजरीवाल के, जब ये सर्कुलर जब आया तो अभी देखिए जी संजय जी बताएं, जब ये सर्कुलर आया था तो क्या आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी केजरीवाल जी के सामने?
नहीं, अभी मैंने कोई आपत्ति इस पे दर्ज नहीं कराई, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आपत्तियां आज तक दर्ज कराई उसका कोई भी मेल का कोई आज तक जवाब भी नहीं आया है केजरीवाल जी की तरफ से। और मैं केजरीवाल जी से ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप तो कहते थे कि सभी विधायकों की विधायक निधि समाप्त हो जाएगी और विधायक की जगह मोहल्ला सभा को पैसा जाएगा, वो विधायक निधि कब समाप्त कर रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब रमेश जी आपके पास आना चाहूंगी, अब कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि पार्टी के अंदर ही गुटबाजी हो रही है, पार्टी के अपने जो नेता हैं वही सवाल उठा रहे हैं। क्या आपसे सवाल मेरा ये है कि पब्लिक मीडिया के पब्लिक ट्रायल की बात की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, आप कितने संतुष्ट हैं इससे? देखो मीडिया का पब्लिक ट्रायल तो रोजाना होता है, मीडिया पब्लिक के बीच में जाके चीजों को खबरों को लेते हैं, पब्लिक के बीच में से बताते हैं, और मीडिया ट्रायल जो पब्लिक ट्रायल है या ब्यूरोक्रेट ट्रायल है, पॉलिटिशियन ट्रायल है, वो तो मीडिया का सुबह शाम तक चलता ही रहता है जी। मीडिया का स्पेसिफिक ट्रायल कराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है जी। मीडिया ने अपनी व्यू जो देने हैं, मीडिया ने कोई जनता के बीच में जाकर वोट नहीं लेना है, मीडिया ने कोई सत्ता स्थापित नहीं करनी है। मीडिया ने अगर किसी ने कोई बात कही है उस बात को उसको याद दिलाने के लिए, उसको दर्पण के रूप में काम कराने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वच्छ रूप से आगे चल पाए वो मीडिया काम करती है, वो आज भी कर रही है। केजरीवाल जी क्या ट्रायल कराएंगे सर मीडिया का जी? जी बिल्कुल, क्या पूरी पब्लिक देखती नहीं है क्या मीडिया को? पूरी पब्लिक देखती है। और यूपी मंत्री पारसनाथ यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम में सर आपका। पारसनाथ यादव जी, सर्कुलर जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई भी मीडिया संस्थान कुछ भी खिलाफत में कोई भी खबर दिखाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, आपका पहला कमेंट लेना चाहेंगे। जी पारसनाथ यादव जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कि संपर्क टूट गया है। जी बिल्कुल, और इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से अब सर्कुलर जारी किया गया है वो हम सुन लेते हैं विपक्षी प्रतिक्रिया। ये देखिए, ये तो सरासर तानाशाही रवैया है, ये लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप हिटलर शाही चला रहे हैं। वही मीडिया जब इनको फेवर करती है तो मीडिया बहुत अच्छी होती है, ये बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात बात पे मीडिया जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वही मीडिया जब इनके खिलाफ जो कि इनके हरकतें हैं जब इनकी सच्चाई सामने लाती है तो इनको मीडिया को बुरा लगता है। तो ये रवैया ज्यादा दिन जनता में नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे आपने किए थे जो आप पूरे नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे तो मीडिया आपसे सवाल तो करेगा, मीडिया सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? जनता भी सवाल करती है आपसे और जनता मीडिया के माध्यम से आपसे सवाल करती है, तो उसमें गलत बात क्या है? उसमें बौखलाने की बात क्या है? उसमें डिफेमेशन की धमकी देने की बात क्या? आप मीडिया को टेररिस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरीके के प्रशासन में कोई आदेश जारी करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी साजिश है मीडिया के खिलाफ। तो खैर, यूपी के मंत्री पारसनाथ यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारसनाथ यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे मातरम में। धन्यवाद। पारसनाथ यादव जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा सर्कुलर जारी कर ये कहा गया है कि अगर कोई भी जो मीडिया संस्थान है वो दिल्ली सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है, कोई खबर दिखाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जी, हमारे देश का जो संविधान लिखा गया, ये मुल्क को चलाने के लिए जो हमारी व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उसी के साथ मीडिया का भी एक बड़ा महत्व है, इसलिए चौथा स्तंभ कहा गया मीडिया। और कोई व्यक्ति अगर मीडिया में है या न्यायपालिका में है, कार्यपालिका में है, तो वह व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो व्यक्ति के खिलाफ कोई बात कही जा सकती है, लेकिन एक मीडिया के खिलाफ या न्यायपालिका के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ अगर कोई लोकतंत्र में इस तरीके से तानाशाही व्यवस्था की कोई बात करता है, खिलाफ कार्रवाई क्या, तो हम तो समझते हैं कि या तो ना समझी है या तो उनको गैर जानकारी के कारण इस तरीके से कोई बात करते हैं लोग। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है और मीडिया को सबको सम्मान करना चाहिए। मीडिया में रह करके कोई व्यक्ति गलती करता है तो मीडिया के हेड जो होते हैं
उसको हम शिकायत करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करा सकते हैं जी, लेकिन पूरी मीडिया को दोषी देना, मीडिया के खिलाफ कोई सेंसर लगाने की बात करना, ये अन्याय है और ये नियम विरुद्ध है। ऐसा गैर समझी से अगर कोई करता है तो मुबारक हो उसके बुद्धि को, और हम ऐसी बातों की निंदा भी करते जी। चलिए शुक्रिया, यूपी मंत्री पारसनाथ यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमेश विदुड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरी चर्चा में एक और दिलचस्प बात निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो खोया। और साथ ही साथ एक और उन्होंने बात कही है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर दोबारा दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वो 72% तक जो वोट है वो हासिल कर सकते हैं। मोदी पर भी उन्होंने इस दौरान वार कर दिया। केजरीवाल जी, आप ट्रायल करके देख लीजिए, 49 दिन की सरकार के कारण जो लोगों में भ्रम फैला दिया था आप लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सरकार 49 दिन की चलाने नहीं दी थी जी। और 100 दिन की सरकार हुई नहीं है, इनके 9 विधायक जिनके ऊपर 4 सीट फ्रेम हो गया है, मोदी जी के 282 MP हैं और मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता पे कोई क्रिमिनल का, कोई करप्शन का, एक पैसे का चार्ज के सामने निकल के आया है क्या 3 महीने की मोदी जी की सरकार में? ये बताएं, 100 दिन की सरकार में, तो 1 साल की सरकार में, और इनकी 100 दिन की सरकार पूरे नहीं हुए। तो इसीलिए खीजी बिल्ली खंबा नौचे। और जहां तक अभी कुछ बंधुओं ने कहा था कि मीडिया के ऊपर केजरीवाल जी मीडिया के खिलाफ, तो आज भी अगर कहीं कोई मीडिया का बंधु कोई गलत खबर दिखाया तो आज भी हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है मीडिया के खिलाफ भी डिफॉर्मेशन डालने का, डालते हैं लोग, नोटिस देते हैं लोग, बहुत लोग देते हैं। बिल्कुल, तो मीडिया के लोग गलत होते हैं तो खेत प्रकट कर देते हैं, उसको वापस ले लेते हैं, अप्रूव करते हैं। बिल्कुल विदुरी जी, एक चर्चा के खिलाफ भी इस लोकतंत्र में कोई बोलता ही नहीं है। मीडिया भी अगर गलत करता है उसकी व्यवस्था है जी। बिल्कुल, सेल्फ रेगुलेशन की बात, ये सर्कुलर जारी करके सेक्शन 499 का जारू करके धमकी देने की जो ये बात कर रहे हैं जी, कि टेररिज करके वो कहीं ना बिल्कुल माफ कीजिएगा रमेश जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी जी। बिल्कुल रमेश जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं। मैं सुनीत बोल रहा हूँ जम्मू से जी। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मीडिया की स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग आज का मीडिया कर रहा है, इस पे मेरी ये प्रतिक्रिया है कि मीडिया को भी अपने हिसाब से देखना चाहिए कि किसी एक के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अभी अगर मैं आज बात करूँ तो मीडिया मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल के दिखाए, कोई खबर मोदी जी के खिलाफ नहीं चल रही है। और अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो केजरीवाल के खिलाफ हमेशा सारी खबरें होती हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? मीडिया की स्वतंत्रता तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर किसी के पीछे, इंडिविजुअल या पार्टी के पीछे सिर्फ अपने हित के लिए पढ़ना तो बहुत गलत बात है। तो मीडिया को अपनी प्रेस्टीज, अपनी स्वतंत्रता और अपना जो मीडिया की पावर है उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यही मेरा सवाल। बिल्कुल, तो जनता की राय है। और आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे वंदे मातरम, हमारे जो कार्यक्रम है वंदे मातरम उसमें आप अपनी जो राय है वो रख सकते हैं जी। बात आप रख सकते हैं, मेल भी हमें कर सकते हैं और अपनी राय रख सकता है। विदुरी साहब से ये चीज पूछेंगे, जिस तरीके से विदुरी साहब ये जो दर्शक जो बोल रहे थे हमारे साथ जम्मू से, वो उस तरीके की बात कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन की बात कहीं ना कहीं आती है। क्या आपको लगता है मीडिया में जो सेल्फ रेगुलेशन की चर्चा तो शुरू हुई थी, लेकिन कुछ लोग शायद हैं ऐसे जो सेल्फ रेगुलेशन की बात नहीं है, या सेल्फ रेगुलेशन पे भी और काम करने की जरूरत है? आपको बायस नजर आता है तो आपको लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। अभी 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 मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी सुमित जी ने जम्मू से बोला है कि अगर कहीं मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार से कहीं गलतियां होती है मीडिया उसको दिखाता है। आप ये टेलीविजन देखते नहीं होंगे, NDTV खोल कर देखिए, टाइम्स नाउ देखिए, आज तक देखिए, और जहां तक मीडिया अगर कहीं बायस होकर काम करती है या बगैर किसी ऑथेंटिक प्रूफ के मीडिया कोई खबर लगाती है तो मीडिया के खिलाफ जाने का अधिकार है। और जाते हैं लोग, मैंने पहले कहा सुमित जी ने मुझे सुना नहीं था, तो सुमित जी आप कोई ऐसा नहीं है कि मीडिया कहीं बायस होकर किसी के पीछे काम करता है। मीडिया, आपने 10 काम करने के लिए कहा, हम 10 काम करेंगे, आप 3 कर पाए हो तो मीडिया 3 की तारीफ क्यों करेगा? मीडिया आपका स्पोक्स पर्सन है क्या? जो आपने 7 नहीं किए उसके मीडिया ने क्वेश्चन करना है जी। उसको केजरीवाल कहे कि मेरे 3 का गुणगान करो, तो इसका मतलब मीडिया केजरीवाल के हाथों बिक जाए क्या जी? तो इसीलिए ये आरोप आरोप लगाना देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रोविजन है। संजय जी बिल्कुल, संजय शर्मा जी मीडिया गलत खबर जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार लगा के जी, और सरकारी अधिकारी अपॉइंट कर देंगी, सरकार तय करेगी।
बिल्कुल ये कैसे हो? वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, लगातार मीडिया खबरें दिखाता है, अच्छी भी बुरी भी, मीडिया लगातार ऐसी खबरें दिखाता रहा, चाहे चुनावों से पहले चुनावों के बाद, लेकिन अगर बात की जाए योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की, वो मीडिया ने दिखाई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रैली में जिस तरीके से किसान आत्महत्या करता है वो हमने दिखाया, राखी बिड़लान की बर्थडे पार्टी में किस तरीके से मारपीट होती है वो मीडिया ने दिखाया, लेकिन तब कुछ अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या दिक्कत हो रही है, आखिर अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है जो इस तरीके से जो फरमान है वो जारी कर रहे हैं? और भी तो तरीके हैं, कोर्ट में पहले भी इस तरीके के कानून बन चुके हैं जिसमें आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन फिर इस तरीके का सर्कुलर जारी करना, डिफेंडर सूट के लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, उसमें सरकार अलग से निर्देश दे अपने अफसरों को, ये सीधा सीधा इंगित करता है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने अफसर को उकसा रहा है कि उनकी शान में, उनकी सरकार की शान में, उनकी सत्ता की शान में कहीं भी कोई खबर लिखी जाए या दिखाई जाए तो उसके ऊपर इतने मुकदमे कर दो कि वो व्यक्ति, वो संस्था पीड़ित हो जाए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी कदापि भी उचित नहीं है। अरविंद जी के फ्यूचर के लिए भी अच्छी नहीं है। अरविंद जी एक आम आदमी के नायक के रूप में लोग उभरते आए थे, आज भी लोग मानते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल अगर फिर देश में आता है तो सिस्टम से एक आम आदमी की तरह लड़ते हुए दिखता है, तो की जरूरत है। आम आदमी का विश्वास निश्चित रूप से सहयोग था, लेकिन वो विश्वास को अगर इस तरह तोड़ेंगे, इस तरह डिक्टेटरशिप चलाएंगे तो उनमें और बाकी नेताओं में और उनमें पीके सिंह में क्या फर्क रह जाएगा? मोदी सरकार केजरीवाल भी कहते हैं। संजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के पास अपनी एक मीडिया है, दूरदर्शन है, डीडी न्यूज है, राज्यसभा लोकसभा टेलीविजन चैनल है, उसी तरीके का केजरीवाल को भी अपना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास तो अपने संसाधन है, वो जनता के पास जो है वो अपनी बातें रख देती है वहां पे, लेकिन दिल्ली सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं है, उनके पास अपना कोई मीडिया चैनल नहीं है जिसकी जिसके जरिए वो अपनी बात रख सके, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी अच्छी बातों को कोई सामने रखता नहीं है और गलत बातों को ज्यादा प्रचारित किया जाता है, तो उन्होंने सीधा सीधा बैन करो। तो क्या रमेश विदुरी साहब से ये सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे ये जवाब जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली सरकार को भी अपना एक कोई चैनल लाना चाहिए जिसमें वो अपनी बात रख सके सीधे तौर पे? मुकेश जी, बहुत सही बात आपने कही और निश्चित रूप से ये एक बात सामने आनी चाहिए। संजय सिंह से मेरी भी पिछले दिनों बात हुई थी, संजय सिंह ने भी जब मेरे सामने मीडिया डायरेक्टर ने हमले किए तो मैंने कहा अगर आप इसी तरह हमले करते रहेंगे तो विकल्प नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सकारता के आधार पर एक मीडिया का संस्थान खड़ा होना चाहिए। अच्छा हो कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ पूंजीपतियों की शिकायत है, कुछ मीडिया घरानों की शिकायत है, तो एक पहल शुरू करें, उनके पास धन की अब तो कोई कमी नहीं है और इतने बड़ा पूंजी निवेश भी नहीं है। जी साहब, एक सवाल यहाँ पे और बनता है, क्या आपको लगता है जो केजरीवाल या दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री आता है वो यदि उनकी केंद्र में सरकार नहीं है तो उसे सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये केजरीवाल की शायद मजबूरी है कि चूंकि पॉलिटिकली वो भले ही यहाँ पे 67 विधायक लेकर के आ गए हों, विधानसभा में उनकी मेजोरिटी हो, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना केंद्र सरकार के की मदद के आप चला नहीं सकते, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से खुश करके रखना चाहती है ताकि कम से कम ये जो सेक्शन है ब्यूरोक्रेसी का वो उनसे खुश रहे, तो वो जो काम करना चाहती है वो काम अपना निकाल ले, कम से कम 5 साल उनको निकालना है, तो ब्यूरोक्रेसी को खुश करना जरूरी है, शायद इसलिए भी ये इस तरीके का फरमान जारी कर रही है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ब्यूरोक्रेट कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं करता है, जो संवैधानिक काम होगा, संवैधानिक फाइल होगी, उसको ब्यूरोक्रेट से निकालेगा। केजरीवाल जी विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम करेंगे, सर्कुलर भी असंवैधानिक, सर्कुलर भी तो नियम के तहत ही निकाला गया है, ब्यूरोक्रेट कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है। बिल्कुल, सर्कुलर भी तो नियम के तहत निकाला गया है विदुरी जी, और सर्कुलर में सारी बातें कही थी, छानबीन की जाएगी, नियम के तहत ही होगी, कानून मंत्रालय से भी सलाह दिया जाएगा, वो नियम पहले से तय। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता सरिष्ठा मुखर्जी का केजरीवाल के इस कानून सर्कुलर है उस पर क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। केजरीवाल एक बार फिर से मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सरिष्ठा मुखर्जी। सरिष्ठा जी, जिस तरह से बहुमत में आए हैं, क्या लगता है आपको, तानाशाही पूर्ण रवैया है फिर से केजरीवाल का मीडिया को जिस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक का बाद एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स मीडिया का ऊपर। पहले उन्होंने बोला कि मीडिया ने सुपारी ली, फिर उन्होंने बोला कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, फिर बोला कि मीडिया का मॉनिटरिंग होगी, अब बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मीडिया या कोई भी अगर उनका ऊपर या उनके उनकी रेपुटेशन का हानि पहुंचे
तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो ये कम्प्लीटली एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। जिस उस एक्ट की बात कर रहे हैं 499 और 500, वो हमेशा से रहा है सरकारों के पास, उनके पास ये हक रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कुछ लिखता है और वो गलत होता है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या फिर से उसको रोशनी में लाने का एक यही कारण है कि कहीं ना कहीं मीडिया को एक तरह से धमकी देना चाह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एविडेंट है कि वो मीडिया को धमकाना चाहते हैं। और आज ये मीडिया का बात है, कल पॉलिटिकल पार्टीज की बात होगी, थर्ड देन उसके बाद यू नो भारत के हर सिटीजन को बोला जाएगा कि आप केजरीवाल जी और उनका सरकार का खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो उनका अगेंस्ट जब डिफेमेशन केस है तो वो बोल रहे हैं कि इसको आप डिक्रिमिनलाइज करो और खुद अब सत्ता में बैठ के मीडिया को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक अजीब सी बात है। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? ये इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। और अगर इफ ही डेयर्स टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन, यू नो आई मीन वी डेयर हिम टू प्रोसिक्यूट वन पर्सन एंड वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय दैट पर्सन। और इसको हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने LG के पास लेटर भी भेजा है कि इस बारे में वो सीरियसली इस इशू को ले, एंड इफ नीड बी यू नो वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली गेट डाउन टू स्ट्रीट टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो साफ है केजरीवाल के इस रुख का हर पार्टी विरोध कर रही है और चाहती है कि केजरीवाल अपने स्टैंड को वापस ले, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। सांसद चिराग पासवान हमारे साथ में। चिराग जी, खास करके अभी अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया, मीडिया को लेकर कमर कसी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। यही मीडिया आपको कुछ समय पहले तक जब आपके धरना प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ा के दिखाता था सब, तो आपको बड़ा अच्छा लगता था। आज आपको इसी मीडिया से आपको एतराज होने लगा है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है उनमें खुद ही को लेके इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं। जब अच्छी बात उनके बारे में कही जाए वो उससे खुश होते हैं, जब उनके बारे में कुछ गलत दिखाया जाए उससे नाराज हो जाते हैं। मीडिया पर रोक लगाने की बात या मीडिया पे कार्रवाई करने की बात, मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। उनके लोग जो हैं वो इस तरह बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो लोग उनके खिलाफ खबर चलाएं उनके ऊपर केस कर दो। यही तो गलत है, यही तो हमने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो निरपेक्ष तरीके से जो सही है उसको सही दिखाए, जो गलत है उसको गलत दिखाए। अगर आपकी सरकार कुछ गलत नहीं करेगी तो गलत दिखाने की कोई वजह भी नहीं होगी। सरकार गलत कर रही है इसलिए मीडिया दिखा रहा है, और उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और अपनी खामियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, बशर्ते कि मीडिया पे आप रोक लगाने की कार्रवाई करें। तो ये थे चिराग पासवान जी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है, और बजाय मीडिया पे लगाम लगाने की अपने कार्यों में अगर अरविंद केजरीवाल सुधार करते हैं तो बेहतर होगा। संजय भट्ट जी के पास चलते हैं। संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके का सर्कुलर जारी किया गया है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का सर्कुलर का जो असर है सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने भी तो पहले कई बयानबाजियां दी हैं, क्या उन पर इस तरीके से और इस सर्कुलर के तहत क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भी किसी के खिलाफ झूठी या गलत अफवाह उड़ाता है या खबर चलाता है वो गलत तो गलत ही है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो संजय भट्ट हो या अरविंद केजरीवाल हो या कोई अन्य हो जी। वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से अरविंद जी कुछ अजीब अजीब से बयान आजकल देने लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कहीं निकल पाएगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली बनकर रह जाएगी। संजय जी, आपका जो ये बयान अभी हमारे टेलीविजन पे आपने दिया है, शायद नागवार गुजरे अरविंद केजरीवाल को और ये सर्कुलर के भीतर आ जाए, शायद नोटिस भी आ जाए, क्योंकि ये छवि खराब करने वाली हो सकती है जिस तरीके से आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या हो सकता है ऐसा? मुझ पे एक नहीं, एक हजार मानहानि के केस कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं देश के लिए। नहीं, आप पे तो होगा, हमारे पे भी हो सकता है। सर्कुलर को हमने सर्कुलर का उल्लंघन किया है, मेरे ख्याल से अंजलि जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है उस सर्कुलर का उल्लंघन किया है, और संजय जी की बाइट जो है, संजय जी का वक्तव्य जो है हम इस पे दिखा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल अगर सुन रहे तो शायद एक नोटिस जो है हमें भी आना चाहिए। डिफेमेशन का नोटिस जो है वो हमारे मीडिया संस्थान को भी आ जाएगा ऐसे में। तो विदुरी जी, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, आप भी बोल रहे हैं हमारे टेलीविजन पे, कहीं अगर अरविंद केजरीवाल सुन लेंगे तो एक नोटिस हमें भी आ जाएगा। मेरी बात को आपने संजय जी को कह दिया, मैं इसलिए हंस रहा था, मैं वही कहने वाला था। बिल्कुल संजय जी, आप तैयार रहिए, आपके पास भी अब डिफर्मेशन का नोटिस आएगा केजरीवाल जी का, जैसे योगेंद्र यादव जी के पास उनके पास पहुंच गया, प्रशांत भूषण भी बाहर हो गए हैं।
जी बिल्कुल रमेश जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे। जिस दौरान अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी के यहाँ पर बात की जाए, उस दौरान जब मानहानि का दावा नितिन गडकरी द्वारा किया गया था, उस समय धाराएं लगी थी 499 और 500, उस दौरान ये भी याद होगा, और उस समय सुप्रीम कोर्ट में यही धाराओं को निरस्त करने की अरविंद केजरीवाल द्वारा अपील की गई थी, लेकिन उस समय उन्हें अलोकतांत्रिक लग रही थी, लेकिन इस बार जब अपनी सरकार है दिल्ली में तो उन्हें ये दोनों ही धाराएं अब लोकतांत्रिक लग रही है। वो मीडिया अपने विरोधियों पर इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखो, जब एक कलाकार जो फिल्मों के अंदर होता है ना जी, और वो जोकर का काम करता है जो कलाकार, तो वो कल उन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शन में क्या शब्द यूज किया था, अगले दिन क्या यूज करने वाले, उनका काम केवल जनता को हंसाना होता है, यही केजरीवाल जी का काम है। वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की नौटंकीबाजी करते रहते हैं। वो पहले भी करते रहे थे जी। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर हैं वो बेचारे समझ नहीं पाए थे, वरना केजरीवाल पहले भी वही थे। अभी वो संजय जी कह रहे थे उनके दिमाग को क्या हो गया, उनका दिमाग पहले भी वही था, उन्होंने पूरे टेन्योर में कभी कहीं काम किए ही नहीं था जी। तो इसलिए केजरीवाल जी पहले भी वही थे, आज भी वही है, तो उनके बारे में कोई ऐसा कहना कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल जी को लग रहा, इन लोगों को अब लग रहा हो पहले दिन बात को कह रहे थे। मिधुरी जी, क्या आपको नहीं लग रहा है जो काम आप लोगों को करना चाहिए था वो उनकी पार्टी के भीतर के लोग ही कर रहे हैं? जिस तरीके से फूट हो रही है उनकी पार्टी में, तो वो आपका ही काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में शायद पॉलिटिकली इसका फायदा आपको मिले। कर रहे थे, ऐसा नहीं है, हमें किसी के फायदे की जरूरत नहीं है, हमें जनता जनार्दन पर विश्वास है। इन लोगों को उस टाइम मीडिया हमारी बात को समझ नहीं रही थी। उस टाइम मीडिया कहती थी जब 49 दिन की सरकार गई थी तो हमने हटाया था, कांग्रेस समर्थन दे रही थी, तो तब भी मीडिया ने मिधुरी जी देखिए, अभी आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो केजरीवाल ने किया। थोड़ा अंतर जरूर डिग्री का है, क्योंकि जब बात आपके खिलाफ मीडिया करती है तो आप मीडिया पे हमला करते हैं। आप उस अभी आप कह रहे हैं जी कि नहीं, उस समय मीडिया रही 49 दिन की जब सरकार थी, यही चीज तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। जो मीडिया जब जो जो होता है वो मीडिया दिखाती है, जो मीडिया कर रही थी हम बोल रहे हैं, जो मीडिया कर रही थी हम बोल रहे हैं, जो मीडिया जो होता है वो दिखाता है मीडिया। उस टाइम सारे चैनल ये दिखा रहे थे, आप रामलीला मैदान की होश को दिखाइए, आपने रामलीला मैदान की होश ऐसे दिखाई थी जैसे महात्मा गांधी का वो दिन भी याद कर रहा है। विदुरी जी, वो दिन भी याद कीजिए जब जन लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, जब जन लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान में, और जंतर मंतर पे जब धरना दिया जा रहा था और मीडिया जब उसका कवरेज कर रही थी, तो आपके नेता और आप लोग भी सब कोई कर रहे थे कि मीडिया कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके कवरेज दे रही है, ये आप लोगों के वक्तव्य थे। नहीं नहीं, हम मैं आज भी कह रहा हूं, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के कवरेज दी थी, मैं आज भी स्टैंड करता हूं इस बात पे, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के दी थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि मीडिया के ऊपर सेंसर लगा देंगे हम सरकार में आ गई तो, हमने ये नहीं कहा था। मीडिया को लगा ये बदलाव लाएगा, देश की दिल्ली की जनता लोगों का बदलाव लाएगा, मीडिया के बंदों को भी लग रहा था। संजय जी भी बिल्कुल, संजय जी भी कुछ कह रहे हैं। पीछे से सपोर्ट कर रहा था उस, देखिए उस टाइम आरएसएस संघ भी उस आंदोलन को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, और इनके संघ के लोग भी उसमें जाते थे, ये चाहते थे कि आम कोई पार्टी नहीं बनेगी और सिर्फ अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, अंदरूनी हजारे के लोकपाल के आंदोलन को समर्थन करते थे। लेकिन दर्शक बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ करना चाहता, माफ कीजिएगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें सुन लेते हैं पहले। मैं लखनऊ से पूजा बोल रही हूँ, और मैं ये बात कहना चाहती केजरीवाल की, ये कि केजरीवाल जो भी मीडिया के खिलाफ बयान देते हैं जो सरासर गलत है, और वो मीडिया की आजादी को छीनना चाहते हैं। सरकार की तारीफ और निंदा करना दोनों ही मीडिया का काम है, जब वो अच्छे काम करती है तो मीडिया वो भी दिखाती है, जो गलत करेगी उसको भी दिखाती है मीडिया। जो इसलिए मीडिया पर निशाना साधना केजरीवाल का बिल्कुल गलत है। जो आज दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है वो मीडिया ने ही उन की सरकार बनवाई है, क्योंकि वो हर चीज को दिखाना, केजरीवाल की सब चीजों को दिखाना मीडिया ने ही ये काम किया है, इसलिए हमें ये आपत्तिजनक बयान नहीं देने चाहिए मीडिया के खिलाफ, मैं यही कहना चाहती हूँ। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं रमेश भिदोड़ी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि रमेश भिदोड़ी जी जो अभी विधानसभा चुनाव में एक विधायक के प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, मिस्टर पहलवान, उनकी गाड़ी पे आप लोगों ने आग लगाई थी और उन्होंने स्वयं लगाई थी? संजय जी, ये इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे थे इस बार, अभी जो मुद्दा है उसी पे चर्चा करें, ये चीज बाद में पूछ लीजिएगा। मैंने बताया था आप कि उन लोगों ने स्वयं इस बात में गाड़ी में आग लगाई थी, मैंने उस टाइम भी ये कहा था।
पुलिस का बयान है, पुलिस की इंक्वायरी है। बिल्कुल, लेकिन अभी अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल रमेश जी, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी हमारा मुद्दा कुछ और है। जी मेरे क्वेश्चन पूछा था तब मैंने कहा था कि इनका सिंपैथी लेना वो उद्देश्य था केवल। इनका जो आशुतोष पत्रकार है वो बार बार हमें गुंडा बता रहा था। मैं आशुतोष से पूछना चाहता हूँ, उनके 6 विधायकों के ऊपर गुंडागर्दी के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अब आशुतोष जी कहाँ गायब हो गए? उनके कुमार विश्वास विदेश चले गए। एक महिला चिल्ला रही है बिचारी कि मेरे घर को बचाओ, मेरे घर को बचाओ, मैं तुम्हारे लिए काम करने गई थी। ऐसे लाखों वॉलंटियर बिचारे देश में, इनके झांसे में आ गए। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, वक्त की जी माफ कीजिएगा, वो भी करेंगे। रमेश जी माफ कीजिएगा, वक्त की बेहद कमी है। एक फाइनल कमेंट आप दोनों से मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले संजय भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी। सीधा सटीक मेरा सवाल है कि जो पार्टी यानी आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले ये कहकर आई थी कि हम आम आदमी की समस्या को दूर करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव के बाद जब सरकार समय बन गई है, दिल्ली में सरकार बना ली है, तो क्या बिजली पानी रहने संबंधी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए? बकायदा कि मीडिया पर वार करना, हर चीज मीडिया ही गलत कर रही है। देखिए बिल्कुल, मीडिया के ऊपर जो भी बयान आम आदमी पार्टी के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया, मैं उसका विरोध करता हूँ। जी रही बात दूसरी कि आम आदमी अरविंद जी को आजकल आज के टाइम पे सिर्फ यस मैन चाहिए, जैसे आशुतोष जी हैं यस करते हैं, वैसे ही उन्हें मीडिया भी चाहिए यस करने वाली। तो यस करने वाले जो के फेरे में जो पड़ेगा वो एक दिन जरूर डूबेगा। और अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है बहुत ज्यादा सातिर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण के दिन कहा था कि हमें अहंकार नहीं आना चाहिए और हमें किसी अन्य राज्य में नहीं जाना है। और अरविंद जी नहीं चाहते कि किसी अन्य राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आए और वो उनसे बड़ा कोई नेता खड़ा हो जाए आम आदमी पार्टी में, इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अरविंद जी पूरे देश में आम आदमी पार्टी। रमेश जी से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। रमेश जी, इमरजेंसी की याद आ गई, जब देश में इमरजेंसी लगी थी उस दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, डिक्टेटरशिप की तरफ जाते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जाने का सपना ले सकते हैं, संजो सकते हैं। वो बनारस चुनाव लड़ने भी गए थे, तब भी देश की राजनीति के चक्कर में गए थे। वो सपने लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी आप सबको अधिकार है सपने लेने जी। बिल्कुल, चलिए आखिरी कमेंट चाहेंगे रमेश भदुरी जी आपसे कि क्या आप इस सर्कुलर के खिलाफ बीजेपी सड़क पे उतरेगी? सड़क पे उतरेगी, मैं पार्लियामेंट में, मैं जीरो ओवर में मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, मैं पार्लियामेंट में भी इस चीज को रेज करूंगा मैं कि देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करेगा तो भारत माँ के उन वीर सपूत जिन्होंने देश में लोकतंत्र स्थापित किया, हजारों लोगों का अपमान है ये कि देश के लोकतंत्र को कोई व्यक्ति खंडित करने का प्रयास करेगा तो वो देशद्रोह होगा। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश विदुर जी, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और संजय भट्ट जो कि आप नेता हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। अब रही कसर ये रह गई है कि अब कहीं ना कहीं जिस इस तरीके की रोकटोक अगर मीडिया पर लगाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल को हिटलर के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो सर्कुलर लाए हैं, आखिरी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सर्कुलर चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से अभी रमेश विदोरी जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूं। और अगर वो पार्लियामेंट में उठता है, और कांग्रेस भी कह रही थी कांग्रेस भी सड़क पर आएगी और बीजेपी भी सड़क पर आएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सर्कुलर ज्यादा दिन चलने वाला है। केजरीवाल को ये सर्कुलर वापस लेना ही पड़ेगा। चलिए, फिलहाल समय की कमी के कारण हमें वंदे मातरम को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक फंक्शंस के साथ। नमस्कार। दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। पहले दोस्त ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? दूसरे दोस्त ने बोला, मेरे 4 लड़के हैं। पहले दोस्त ने बोला, वो क्या करते हैं? दूसरे दोस्त ने बोला, पहला MBA करता है, दूसरा MCA करता है, तीसरा BTEC में है और चौथा जुआरी है। पहले दोस्त ने बोला, तो फिर जुआरी को घर से निकालते क्यों नहीं? दूसरे दोस्त ने बोला, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। राज ठाकरे को बैंक के अंदर आते हुए देखकर कैशियर भागकर अंदर गया और मैनेजर के केबिन में जाकर उसने कहा, सर वो फिर आ गया है जो केवल मराठी में छपे हुए नोट मांगता है। बैंक वाले ने पप्पू से कहा,
आप 6000 रुपए महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पप्पू ने बोला सर प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपए दे दो पर हर महीने 6000 रुपए लेते रहना मेरे मरने तक। ये सुनते ही बैंक वालों ने फट से फोन काट दिया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। See the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। So happy with his job, he can't see the millions of opportunities around him.